ये मेरा दाल पक रहा है और यहाँ टमाटर कट के रेडी हो चुके हैं। बेटी पीछे को परेशान कर रही है और यहाँ पे ये तेज और इसका पानी कम होने को आया है। इस बार मैं फट से ढक्कन ढक दूंगी। जी मैंने दाल की है, टमाटर फ्राई कर दी। मम्मी अब ये पघल जाएगा, नमक वमक डालूंगी, इसके बाद में सेटी खोल कर सबसे दाल को रख दूंगी। ये मेरी टमाटर चटनी जैसा बन के रेडी हो गए। अब मैं दाल को खोलती हूँ, फटाफट डालूंगी। और फ्रेंड्स ये देखो, एक हाथ में बच्चा रखो, दूसरे हाथ में फिर बीच बीच में इसलिए सूट करती हूँ क्योंकि बच्चे लेके मैं काम भी नहीं कर पाती हूँ एक हाथ में, और मेरे पास कोई सुविधा नहीं है कि कोई मेरा कैमरा पकड़ दे, कि मेरे पास ट्राईपॉड भी नहीं है कि मैं कैमरा को स्थाई रख के खाना बनाऊँ, तो ऐसा सुविधा मेरे पास नहीं है, इसलिए मैं ऐसा खाना बनाती हूँ। तो मैनेज करते रहिएगा, इसलिए मेरा डेली ब्लॉग नहीं आ पाता है क्योंकि मेरे पास सुविधा नहीं है, और साथ में बच्चे को देखो फिर खाना बनाओ, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। सो मेरा दाल देखिए ये पक के कैसा रेडी हो चुका है। अब इसको मैं थोड़ा सा मैश कर दूँगी ये पूरा ऐसा, ताकि वहाँ कोई प्रॉब्लम ना हो और वहाँ जले ना, उसको भी ध्यान रखना। अब ये देखिए कैसा मैश होके कैसा हो गया है, देखो अब खाने में कितने टेस्टी आएगी, अब देख सकते हैं। अब इसमें चलो मैं उसमें यहाँ मिक्स कर देती हूँ। फ्रेंड्स ये मेरे चावल बन के रेडी हो गए, बिल्कुल अलग अलग देखिए, थोड़ा सा भी नहीं लगा है और नीचे भी बहुत अच्छा से होगा, क्योंकि इसको जैसे गंजी में खाना बनाते हैं ना, तो हम लोग गंजी बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इतने तक नाप के, जैसे चावल से ऊपर इतने पानी होना चाहिए, नाप के रख दो, आपका चावल बिल्कुल भी नहीं बिगड़ेगा, और बीच बीच में ध्यान दे दो बस हो गया। और ये मेरा चावल अलग अलग बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा खाना बन के रेडी हो गया, अलग अलग थोड़ा सा भी नहीं लगता है। और ये मेरी दाल देखिए, दाल कितनी ही खूबसूरत लग रही है। और ये जो दाल है ना फ्रेंड्स, पूरा गांव का देसी दाल है, नो केमिकल, ये दुकान का दाल नहीं है, हम लोग तो अधिक दुकान से दाल नहीं खरीदा करते हैं, प्योर देसी दाल है, गांव का, घर का, राहल का, अरहर बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ये मेरे खाना बन के रेडी हो गया फ्रेंड्स। इसके बाद अब हम लोग नहाएंगे धोएंगे और मैं अपने बेटी को भी नहलाऊँगी। और मेरी डेली ब्लॉग इसी वजह से नहीं आ पाता है क्योंकि मेरे पास कैमरा पकड़ने की भी सुविधा नहीं है, न रखने की। तो जब तक मेरे पास प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो, तब प्लीज़ फ्रेंड्स मतलब ऐसे ही एडजस्ट करते रहिएगा, क्योंकि कोई कैमरामैन हो या तो ट्राईपॉड वगैरह हो, तभी क्या वीडियो अच्छे से आ पाता है, तो ऐसे मेरे पास नहीं आ पा रहा है अभी। सो फ्रेंड्स आज का वीडियो ये कैसा लगा मेरी खाना वाला ब्लॉग, तो आप लोग कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा। तब तक ले हम लोग फ्री हो जाते हैं नहा धो करके।